पंचायतों का और आपके गांव की सरदारी का लठ मारने का काम किया। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के सरपंच साथियों से और ग्रामीण जनता से बात कहना चाहता हूँ, ये बेहतरीन सरपंचों की नहीं थी, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के 6226 के 26 गांव की बेइज्जती थी, क्योंकि हम लोग आप लोगों ने चूतिया के बेचे थे। पूरे पूरे ग्रामीण अंचल को लठ मारने का काम मौजूदा सरकार ने किया था। हम इस सरकार को दिखा देंगे कि पंचायती राज के लोगों की ताकत क्या है। 70% वो जनसंख्या भारतीय गांव के अंदर बसती है। हम इन लोगों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर दिखाएंगे कि पंचायती राज के लोग क्या कर सकते हैं। हम इन लोगों को गांव के अंदर बिल्कुल इन लोगों का वो हाल करेंगे, इन लोगों के एजेंट भी नहीं बनेंगे बूथों के अंदर। हम बूथ स्तर पर इन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और अपने ग्रामीण अंचल की जो बेइज्जती की थी लोगों ने, उस बेइज्जती का बदला हर ग्रामीण क्षेत्र के लोग इन लोगों से चुन चुन कर लेंगे। भाइयों, ये लोग ग्रामीण क्षेत्र के बिल्कुल दुश्मन है। पहले खेती किसानी के ऊपर इन लोगों ने काले कानून थोपे, फिर आपके गांव के ऊपर ये हर प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर कारपोरेट को काबिज करना चाहते हैं, आप लोगों को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के वोट लेकर इन लोगों को इतना अत्याचार किया गया, आज कोई भी अपनी आवाज उठाता है तो उसको लठ मारने का काम किया जाता है। आपके कर्मचारियों को पिटा गया, आपके मनरेगा मजदूरों को पिटा गया, आपके सफाई कर्मचारियों को पिटा गया, आपकी पंचायतों को पिटा गया। लेकिन भाई, हम तो पंचायत के लोग हैं, बड़े स्वाभिमानी लोग हैं भाई, हम तो किसी को नहीं होगा, अगर 100 का रास्ते तो 100 का लेगा कि सरकार को दिखा देंगे भाई, बदला जरूर लेंगे, लेकिन वोट की चोट से। मैं सभी साथियों से एक विश्वास चाहता हूं, मैं हाथ खड़े करके विश्वास दो कि आप अपनी पंचायतों का साथ दोगे इसलिए कि अपनी सरकार को हरियाणा से बाहर करने में। आज आपके नौजवान बच्चे देहात के पढ़े लिखे बेरोजगारी की वजह से विदेश के अंदर जाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि रोजगार नहीं दिए जा सकते। मौजूदा सरकार ने सभी रोजगार खत्म कर दिए हर प्रकार से। और एक स्पेशल मांग मैं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से शेयर करना चाहता हूं कि हुड्डा साहब, ये मांग मैं आपसे हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, आप सत्ता में आने के बाद इस प्रदेश के किसान और मजदूर के लिए ऐसे कानून बनाना, इस प्रदेश का किसान और मजदूर दर दर की ठोकरें खाने का नहीं होगा। ये मेरे आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि गांव के अंदर सभी किसान और मजदूर लोग रहते हैं। भाइयों, मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, पंचायती राज के लोगों ने जो उसको जिम्मेवारी सौंपी है, आपका मान और सम्मान किसी के कदम में चुप रहने दूंगा, ना बिगड़ने दूंगा। मैं उस काम का बेटा हूं जिस काम के लोग मान सम्मान के लिए अपनी दर्दन करवा सकते हैं, लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जब तक पंचायती राज के लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल सकते, मैं यहां ऐसे ही लड़ता रहूंगा और आगे चल ऐसे ही चाली रहेगी। आप लोग यहां पहुंचे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, प्रोटोकॉल में माफी चाहते हुए संतोष।